बच्चों कैसे हो आप लोग। पटेल कोचिंग में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें एक सीरीज में आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर से है आपका, ये वाला जो केस स्टडी है। इसमें क्वेश्चन बोलता है कि अ स्टूडेंट वाज गिवन द टास्क टू प्रिपेयर अ ग्राफ। एक स्टूडेंट को एक टास्क मिला है ग्राफ बनाने का, और किसके लिए मिला है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ के लिए मिला है। टू ड्रा दिस ग्राफ ही टेक सेवरल वैल्यूज ऑफ वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक ग्राफ ड्रा कब होता है? जब हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं एक्स का वाई के कॉरस्पॉन्डिंग में। आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर विथ सुटेबल स्केल, और पॉइंट मिलाने के बाद जो ग्राफ मिलता है उसमें डायग्राम में दिया हुआ है। देखिए ग्राफ क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स का कुछ इस टाइप से है। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे कर रहा है 1 0 पे, और दूसरा 3 0 पे कर रहा है। तो ये होगा एग्जैक्टली एटलीस्ट 8 2 पॉइंट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कम से कम दो बिंदुओं पे तो इस ग्राफ, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 8 2 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स। कि जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल का, वो एक्स कोऑर्डिनेट के कौन से वैल्यू पे जीरो हमको मिलता है? ये वेयर द ग्राफ टच आर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यही इसका आंसर है बच्चों। जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को टच करता है जो हमारा ग्राफ है, वो जीरोस होता है पॉलिनोमियल का। इसी में आपको टिक लगा देना है। उसके बाद बोलता है कि द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज। तो पॉलिनोमियल एफ एक्स का जो सम ऑफ जीरोस है वो कितना होगा? तो अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे उसके जीरो साफ साफ दिख रहे हैं। यहाँ पे जीरो एक 1 है और एक 3 है। तो जो जीरो से 1 और 3 का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज 4। दूसरा बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज। तो देखिए यहाँ पे इसके जीरोस कौन कौन से हैं साफ साफ दिख रहा है, 1 और 3 हैं। यहाँ पे जीरोस 1 है, यहाँ पे जीरोस 3 है। तो 3 1 जा 3, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। दूसरा, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये पूछना चाहता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जीरोस दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 3। ये दोनों जीरोस हो गए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोगों का जो फार्मूला आता है पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माने अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 एक्स प्लस 1 इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3। ये जो ग्राफ है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, ये कहाँ पे है? इस चारों ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वाला जो सैम्पल पेपर है काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वाला जो केस स्टडी है आपको कैसे लगा। बच्चों आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।